स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोलते सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के होदाईली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 285 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें से 30 छात्र छात्राएं बीमारी से ग्रसित मिले, जिनमें से 11 को लालसोट CSC के लिए उपचार के लिए रेफर किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर महावीर प्रसाद जैन, डॉक्टर नेहा शर्मा, अशोक पारी की टीम ने करते हुए विद्यार्थियों को मौसमी बीमारियों से बचने के बारे में उपाय भी बताए। इस मौके पर प्रधानाचार्य उत्तम चंद शर्मा ने विद्यार्थियों से बीमारियों से दूर रहने के लिए अपने आसपास स्वच्छता रखने पर बल दिया। आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विद्यालय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय उदयली में उपस्थित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसमें लालसोट में ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत से हुई एक जने की मौत। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के निर्झरना गांव के पास लालसोट बाईपास पर बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक जने की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चौधरीवास गांव निवासी जगदीश मीणा ने बताया कि उसका पुत्र कैलाश उम्र 30 वर्ष मंगलवार शाम निर्झरना गांव के लालसोट बाईपास पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।